हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब हम लोग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 4 पे आ गए और हम लोगों ने हिमालय का डिवीजन पढ़ चुके थे। हम लोग है ना हिमालय 3 रेंजेस में हम लोगों ने बांटे थे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स में। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे हिमालयस का डिवीजन ही है लेकिन किसी और बेसिस पे, है ना। तो हेडिंग है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, रीजनल REGIONAL, रीजनल डिवीजन DIVISION, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, BASIS, बेसिस ऑफ रिवर्स, RIVERS। तो हम अब डिवीजन ऑफ हिमालय करेंगे, हिमालय को बांटने समझने की कोशिश करेंगे रिवर्स के हिसाब से, नदियों के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों को बनाना नहीं है, मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए इसको बनाया है, यहाँ पे आप लोग समझेंगे। देखिए नदियों का कोई रूट नहीं होता, कोई एक रास्ता नहीं होता, तो हम नदी को ऐसे बांट नहीं सकते मैप पे कि नदी एक सीधी लाइन में ही बहती होगी। नदी घूमती भी है, अपना रास्ता बदलती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये है जो पार्ट हिमालय का आपका, ये हमारा हिमालय वाला इलाका है, जो पार्ट आपका हिमालय का इंडस नदी और सतलज नदी के बीच का है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। ऐसे आगे चलें सतलज और काली नदी के बीच का पार्ट कुमाऊं हिमालय कहलाता है, काली और तीस्ता नदी के बीच का पार्ट नेपाल हिमालय कहलाता है, तीस्ता और दिहांग नदी जो कि ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी है उधर ही बहती है ब्रह्मपुत्र असम में, उसके बीच का हिमालय दिहांग हिमालय कहलाता है, ठीक है। सॉरी दिहांग हिमालय नहीं कहलाता, असम हिमालय कहलाता है सर, ठीक है। तो तीस्ता और दिहांग हिमालय के बीच में असम हिमालय कहलाता है, दिहांग नहीं असम हिमालय। तो देखिए अब आप इसको याद रखेंगे, ये वाला इलाका पंजाब वाला है, ठीक है। इंडस सतलज, सतलज काली कुमाऊं, काली तीस्ता नेपाल, तीस्ता दिहांग असम। कई बार आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीस्ता और दिहांग हिमालय, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच वाला हिमालय का पार्ट क्या कहलाता है, काली तीस्ता का क्या कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आप इसको याद करने से, रटने से अच्छा ये है कि इसको 2 मिनट जल्दी से एग्जाम में जाके बना लेंगे, ठीक है। इंडस सतलज काली तीस्ता दिहांग याद रखेंगे इन रिवर्स के नाम प्रॉपर ऑर्डर में, फिर हिमालय के नाम पंजाब कुमाऊं नेपाल असम। सीधी सीधी बात है, असम नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, असम लास्ट में होगा, नेपाल लगभग इधर पड़ता है इंडिया के, यहाँ पे होगा पहला, पंजाब बिल्कुल नॉर्थन रीजन है पंजाब, फिर कुमाऊं मतलब उत्तराखंड वाला जो इलाका है वो कुमाऊं कहलाता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा जब इंडिया के मैप के हिसाब से अपन चलेंगे। तो बस इसी चीज को अब हमको लिखना है, इसको आप लोग रफ में बना सकते हैं, एग्जाम में ये परमिशेबल नहीं है बनाने के लिए, इसे लर्न करने के लिए आप रफ में, रफ कॉपी में या रफ साइड में बना सकते हैं लर्न करने के हिसाब से, ठीक है। फिर इसको आप लोग लिखिए, द डिमार्केशन ऑफ हिमालयस, द डिमार्केशन DEMARCATION, द डिमार्केशन ऑफ हिमालयस इज डन बाय रिवर वैलीज, द डिमार्केशन ऑफ हिमालयस इज डन बाय रिवर वैलीज VALLEYS, दैट इज द इंडस कॉमा सतलज कॉमा काली कॉमा तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स, ठीक है। ये 5 नदियों के नाम लिखा है मैंने आप लोगों को, इंडस INDUS, सतलज SATLEJ, काली KALI, तीस्ता TISTA एंड दिहांग DIHANG, है ना। इंडस सतलज काली तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स। फिर लिखेंगे द पार्ट ऑफ द हिमालयस, नेक्स्ट पैराग्राफ इसके बाद है ना, ये 5 नदियों के नाम के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली, एक मिनट को सतलज एंड काली डायरेक्ट कैसे आ गया, पहले लिखिए सॉरी इसको काटिए, द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज इज नोन एज पंजाब हिमालयस, द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर इज नोन एज द पंजाब हिमालयस। फिर लिखेंगे द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालयस, इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालयस KUMAON, कुमाऊं, और लाइंग की स्पेलिंग है LYING, लाइंग मतलब वहां पे पढ़ना, मतलब जो सतलज काली के बीच में जो हिमालय लोकेशन है वो कुमाऊं हिमालय है। फिर द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर इज कॉल्ड नेपाल हिमालयस, और लास्ट में द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयस, ठीक है। लाइन बिल्कुल सेम है, बस आपको नदियों के नाम चेंज करने हैं हर लाइन में। क्या लाइन लिखनी है? द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन, यहाँ तक तो सब में सेम है, फिर नदियों के नाम है इंडस सतलज तो नाम आएगा पंजाब हिमालयस,
फिर नाम लिखेंगे द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली इज नोन एज कुमाऊं हिमालयस, फिर द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता इज नोन एज नेपाल हिमालयस, द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग इज नोन एज असम हिमालयस। ठीक है, तो ये आप लोगों का पार्ट ये पूरा हो जाता है जिसमें हमने पढ़ा डिमार्केशन ऑफ हिमालयस ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। आगे हम लोग पार्ट नंबर 5 में बात करेंगे। थैंक यू।